गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर तृप्ता हेयर एंड दिस इज योर कंप्यूटर क्लास. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. इस चैप्टर में बेटा हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और उसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. वी सी मैनी मशीन्स लाइक अ टेलीविजन, अ सीडी प्लेयर और अ टैबलेट एवरी डे. जी बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स यूज करते हैं जिनमें से कुछ एक हैं जैसे टेलीविजन, सीडी प्लेयर या टैब. यहां आप देख सकते हो, दिस इज टेलीविजन, सीडी प्लेयर एंड टैब, टैबलेट जिसे हम कहते हैं. ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मीन्स ये सब बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, बैटरी के थ्रू ही ये सारे वर्क करते हैं. अ कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो भी बिजली से चलता है, लाइट से चार्ज होता है. इट इज यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे काम करने के लिए करते हैं. वी प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ड्रॉ पिक्चर्स एंड सॉल्व सम्स विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. ये जो कंप्यूटर है बेटा, ये जो आपका कंप्यूटर है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है. इसमें हम गेम्स खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं और आज के टाइम में हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं. व्हाट अ कंप्यूटर डज. ए कंप्यूटर क्या क्या करता है. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड्स. यस, अगर आपको बोला जाए 54 + 28 + 36 + 155 + 199 कितना होता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी. मीन्स आपको कुछ टाइम चाहिए ये कैलकुलेशन करने के लिए. लेकिन अगर कंप्यूटर को कहा जाए तो कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स में आपको आंसर निकाल के दे देगा. इतनी जल्दी कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर और बिल्कुल करेक्ट होती है कैलकुलेशन. अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स. कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता. इंसान गलती कर देता है बेटा, लेकिन मशीन जो वर्क करती है उसमें मिस्टेक नहीं होती है, अगर सिस्टम सही हो तो. अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. अगर आप लोगों को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग होता है. मीन्स वो एक ही टाइम पर बहुत सारे काम आप कर सकते हो. मीन्स आप पिक्चर भी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, आप प्रिंट आउट निकाल सकते. मीन्स एक ही टाइम पे आप जितनी कमांड दोगे कंप्यूटर उतने ही काम कर देगा. अ कंप्यूटर वर्क्स कॉन्टिन्यूस. अब सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम भी ये कर सकता है और लगातार ये काम कर सकता है. कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार, बिना थके ये वर्क कर सकता है. बस इसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए. पेज नंबर 6. लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बींग. अब देखते हैं कि एक कंप्यूटर ज्यादा जल्दी, ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है या एक इंसान. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन ह्यूमन इज स्लो इन डूइंग कैलकुलेशंस. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप टाइम लोगे, लेकिन कंप्यूटर वो काम सेकंड्स में कर देगा. कंप्यूटर डज नॉट नीड रेस्ट. इसे रेस्ट नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, ये थकता नहीं है. लेकिन ह्यूमन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क. इंसान को काम करने के बाद आराम चाहिए ही चाहिए. कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स. ये कभी गलती नहीं करता. ह्यूमन बींग मेक्स मिस्टेक्स. इंसान गलती करता है. कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें कोई फीलिंग नहीं है. इसे अच्छा बुरा, मीन्स अगर कंप्यूटर कभी, आप लोग कंप्यूटर को चाहे कुछ भी कहते रहो उसे फील नहीं होगा, लेकिन एक इंसान है जो फीलिंग से फुल ऑफ फीलिंग्स है. ह्यूमन हैज इमोशंस एंड फीलिंग्स. उसके पास इमोशंस भी हैं और उसके पास फीलिंग्स भी हैं और वो एक्सप्रेस भी करता है. गुस्सा आना, रोना, मीन्स
हर तरीके की हंसना, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो एक इंसान में होती हैं, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज अ मशीन। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन बीइंग। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हर तरीके से आपने देख लिया कि ह्यूमन से बेटर है कंप्यूटर, लेकिन ये काम कैसे करेगा जब ये इंसान इसे कमांड देगा? बिना कमांड के ये कुछ नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पर ही, जो इंस्ट्रक्शन उसे कौन देता है, इंसान, दी गई इंस्ट्रक्शन पर ही काम करता है। जबकि इंसान जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देने वाला है। अ ह्यूमन बीइंग कैन थिंक एंड टेक डिसीजन। वो सोच भी सकता है और डिसीजन भी ले सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसकी हेल्प से करना है, ये सब इंसान सोच सकता है, मशीन ये सब नहीं सोच सकती। कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बात बुरी लगेगी, वो भी इंसान पे डिपेंड करता है, मशीन को उस बात से कोई मतलब नहीं होता। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है और उस कंप्यूट वर्ड का अर्थ है कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? अब हम आगे देखेंगे कि ये कंप्यूटर जो है ये काम कैसे करता है। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स? क्या आपको पता है कंप्यूटर कैसे काम करता है? चलिए डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन, हमने पढ़ लिया। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है दैट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। और हमने ये भी पढ़ लिया कि अपने आप से कोई काम नहीं करता, इसे जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये वही करता है। इट मेनली फॉलोज थ्री स्टेप्स। इसमें मेनली तीन स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स कमांड देना, प्रोसेसिंग मीन्स कंप्यूटर में सीपीयू में जो भी उसकी प्रोसेस होती है उस वर्क को किया जाता है। एंड आउटपुट मीन्स जब हमें स्क्रीन पे या प्रिंट के थ्रू वो वर्क दिखाई देता है। गॉट इट? लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या है। एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ बेटा, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नॉलेज को आपके माइंड में इनपुट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ उस बात को। लेकिन आप लोग खुद सोचोगे उस बात पे, आप लोग अपने तौर से जिसे अपने दिमाग में बिठाओगे, जितना सीरियसली उसे अपने दिमाग में बैठाओगे, दैट इज प्रोसेसिंग। और आउटपुट जो होगा, जो आपका रिजल्ट होता है, वो आउटपुट है। यहां पे जो एग्जांपल दिया है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। सपोज योर मदर वांट्स टू मेक ब्रेड टोस्ट इन अ टोस्टर। सपोज कीजिए आज मामा को टोस्ट बनाना है, और टोस्ट कैसे बनेगा? टोस्टर की हेल्प से बनेगा। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या क्या स्टेप्स मामा करेंगी? शी पुट्स स्लाइस ऑफ ब्रेड इनसाइड द टोस्टर। सबसे पहले मम्मा टोस्टर लेंगी और ब्रेड के जो स्लाइस हैं उनको टोस्ट के अंदर रखेंगी, दैट इज कॉल्ड इनपुट। टोस्टर को, टोस्टर के अंदर ब्रेड स्लाइस को रख दिया, इनपुट हो गया। द टोस्टर बेक्स, प्रोसेस बेक्स द ब्रेड फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर के लिए टोस्टर जो होता है वो उसे ब्रेड के जो स्लाइस हैं उन्हें पकाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। थर्ड स्टेप, यू गेट टोस्टेड ब्रेड एज अ रिजल्ट। और ये जो टोस्टेड ब्रेड है ये क्या है? आउटपुट है। इनपुट जब हमने इसमें रखा, प्रोसेसिंग जब ये इसमें पका, और आउटपुट जो हम खाएंगे। सिमिलरली द इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। मीन जो आप लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो उसे हम कहते हैं इनपुट। जैसे हमें उसमें टाइप करना है, मान लो हमें टाइप करने हैं अल्फाबेट ए टू जेड, तो हम क्या करेंगे, कीज प्रेस करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से, ये कहलाएगा इनपुट। और इनपुट हमने किसके हेल्प से किया? कीबोर्ड की हेल्प से। सेकेंड, द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर जो काम करेगा, आपने सिर्फ एक की प्रेस की है ए,
लेकिन उस ए को पहचानना और उसे स्क्रीन पे, आपने ए प्रेस किया है बेटा तो ए ही आपको शो होगा स्क्रीन पे, वहां पे कोई और अल्फाबेट शो नहीं हो सकता। अब उसे सही रिजल्ट देने वाला काम जो कौन करेगा, सीपीयू करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द रिजल्ट ऑब्टेंड इज कॉल्ड द आउटपुट। अब स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देगा, आपने ए वाली की प्रेस की है कीबोर्ड पे, लेकिन स्क्रीन पे आपको ए जो दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट। पार्ट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा ये जो मॉनिटर है, इसे हम मॉनिटर पढ़ लेते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉनिटर, और मॉनिटर ही बोलोगे तो आई थिंक इसकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, वरना आप टी ई आर लिखना यहां शुरू कर देते हो। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ अ दैट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। चलिए कुछ और भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। प्रिंटर हेल्प यू टू टेक योर वर्क ऑन अ पेपर। इट मीन्स द प्रिंटर प्रिंट्स ऑन अ पेपर द सेम वर्क दैट इज शोन ऑन द मॉनिटर। अब ये जो आपकी बुक है, ये भी कंप्यूटर पे बनी हुई है। किसी ने सारे के सारे अल्फाबेट, ये सारे के सारे वर्ड, सारे के सारे चैप्टर आपके टाइप किए होंगे, ठीक है? वो हो गया इनपुट। फिर उसके बाद जब उसने टाइप किए होंगे तो सामने उसे दिखाई भी दे रहे होंगे, है ना? जो मॉनिटर है उसके ऊपर उसे दिखाई भी दे रहे होंगे। अब टाइप कर दिया, लेकिन उसे आप तक कैसे पहुंचाना है? आप तक पहुंचाने के लिए उसे प्रिंट किया गया है। ये जो आपकी बुक्स होती हैं, ये सारी प्रिंट की हुई हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं तो आपके टीचर्स खुद टाइप करते हैं और आप तक जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंटिंग। मीन्स जो भी हमारे कंप्यूटर में, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे लैपटॉप में मटेरियल है, उसे हम पेज पर, पेपर पर कैसे उतारते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रिंटिंग। उसके लिए हमें हेल्प होती है प्रिंटर की। इसकी हेल्प से ही हम, जैसे हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में कमांड देंगे प्रिंट की, तो यहां से ये प्रिंटर कमांड पकड़ेगा और जो भी हमारी स्क्रीन पे शो हो रखा है या जो भी हमें प्रिंट आउट निकालना है, वो यहां से प्रिंट होकर पेज पर निकलकर आ जाएगा। सेकेंड वन इज स्पीकर्स। ये तो आप सभी ने देख रखे होंगे स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, ये भी देख ही रखे होंगे। आर यूज टू लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, वॉइस, स्पीच एंड अदर टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से अगर आपने कुछ भी आपको सुनना है, चाहे गाने हैं, चाहे कोई आवाज है, कोई स्पीच है, कुछ भी आपको सुनना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा स्पीकर या हेडफोन। ऑप्शनल है, यूज कर सकते हैं आप। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये माइक्रोफोन है बेटा। जैसे अभी हम लोग टीच करते हैं तो हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं आवाज के लिए, या किसी को गाना गाना है या किसी भी तरीके की साउंड, उसके लिए माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। स्कैनर इज यूज टू पुट योर डिवाइस इनटू द टू पुट योर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। अब मान लो आपके पास कोई आपकी फोटो है, कोई आपके सिग्नेचर है, कुछ भी है, वो आपको कंप्यूटर में लेके जाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपने जैसे अपने साइन एक पेपर के ऊपर किए, यहां स्कैनर के ऊपर रखा, स्कैन का कमांड दिया, तो वो जो होगा पेपर का मटेरियल जो होगा वो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। स्कैन करने का वर्क कौन करता है? स्कैनर। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म बेटा याद कर लेना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज यूज टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर फ्यू मिनट्स इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। अगर आपने देखा होगा, कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, कई बार लाइट अगर चली जाए फिर भी कंप्यूटर ऑन रहता है, वो चलते रहते हैं। द रीजन इज दिस यूपीएस। इसकी वजह से कंप्यूटर, अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर वर्क करता रहता है कुछ देर के लिए बिना किसी इंटरप्शन के। नेक्स्ट पेज।
ये बेटा आपकी कंप्यूटर लैब की प्रैक्टिस है, इसे आपकी जो कंप्यूटर टीचर है वो आपको अच्छे से करवाएंगे जब आप लोग स्कूल में आएंगे। वैसे आप लोगों को पता ही होगा ये एक्टिविटी इतनी हार्ड नहीं है, आजकल के बच्चों के लिए तो इजी है। इंसर्टिंग और रिमूविंग पेन ड्राइव फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर में पेन ड्राइव कैसे लगाते हैं और कैसे उसे रिमूव करते हैं। इंसर्ट द पेन ड्राइव इनटू द यूएसबी पोर्ट और ऑफ द सीपीयू बॉक्स। लैपटॉप में लगा रहे हो तब तो लैपटॉप में जहां पे कीबोर्ड होता है उसके साइड में आपने यूपीएस करके कुछ देखा होगा, अगर ये वाला डिवाइस जहां पर लगता है उस पोर्ट में आप लोग पेन ड्राइव लगाओगे। अगर आप लोग काम कर रहे हो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप जो आपके स्कूल में अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर्स उनके साथ, वहां ये पेन ड्राइव जो होता है वो मॉनिटर के साथ नहीं लगता है, वहां ये लगता है सीपीयू के साथ। डबल क्लिक दिस पीसी आइकन ऑन द डेस्कटॉप दिस पीसी विंडो अपीयर्स। अब जैसे ही अगर आप लोग देखें कि आप पेन ड्राइव लगाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर लोकल डिस्क कुछ करके आता है, यहाँ लोकल डिस्क ईसी और यहाँ पे पेन ड्राइव का एक ऑप्शन आ जाता है। डबल क्लिक द रिमूवल डिस्क, साथ में लिखा होता है रिमूवल डिस्क या जो भी आपने नाम दे रखा होता है पेन ड्राइव को वो भी शो होता है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इस ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी मटेरियल है बेटा वो आपको शो हो जाएगा। नाउ क्लिक अप बटन फॉर ऑन द, ये आपको मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे कैसे ओपन करना है। अगर इसे रिमूव करना है तो कुछ एक लैपटॉप या कुछ एक डेस्कटॉप ऐसे होते हैं जिनमें इजेक्ट ऑप्शन आता है, जब हमें पेन ड्राइव को रिमूव करना है तो उससे पहले हमें उस पर क्लिक करना होता है। मोस्टली अब ये ऑप्शन नहीं होता है, किसी किसी लैपटॉप में ये ऑप्शन होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कितने तरीके के होते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, सम आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो होते हैं बेटा वो अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। आइए कंप्यूटर के अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मैं आपको बार बार कह रही थी, जो आपके स्कूल में अवेलेबल हैं, जब आप कंप्यूटर लैब में वर्क करते हो तो ये डेस्कटॉप आपको दिए जाते हैं। इट हैज कीबोर्ड, इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, दैट इज कनेक्टेड टुगेदर विद यूजिंग वायर्स, और ये सब तारों से वायर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इट इज कैप्ड ऑन अ डेस्क और अ टेबल, इसे किसी टेबल पे या डेस्क पे ही रखा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, जब तक लाइट होगी तब तक ही चलेगा। इट इज बिग एंड हैवी, बड़ा है और हैवी, इतना बड़ा सीपीयू इसके साथ तो हैवी तो ये है ही, सो यू कैन नॉट मूव इट इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए हम इसे उठा के यहां से वहां नहीं ले जा सकते आसानी से। अब आ जाता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, ये आपका लैपटॉप रहा। इट हैज कीबोर्ड, इसके ये इसके कीबोर्ड हैं, माउस का वर्क यहाँ से जो टच हम लोग इसे करते हैं वहां से होता है, मॉनिटर आप यहाँ देख सकते हो, एंड सीपीयू, और सीपीयू इसके अंदर ही होता है। यू कीप इट ऑन योर लैप, आप इसे अपनी गोद में रखते हो वाइल वर्किंग ऑन इट, जब आप काम करते हो, कोशिश करो गोद में मत रखो, आप अपने सामने इसे रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, बैठ करके आप वर्क कीजिए, लेकिन इसको लैपटॉप कहने का रीजन यही है कि हम इसे अपनी गोद में रखकर वर्क कर सकते हैं, हम इसे अपनी गोद में रख सकते हैं। ये जो डेस्कटॉप है इसे हम अपनी गोद में नहीं रख सकते, इसे हम डेस्क पे रखते हैं इसलिए डेस्कटॉप कहते हैं। ये लैपटॉप है इसे लैप में गोद में रख सकते हैं इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं। इट वर्क्स ऑन बैटरी, ये बैटरी से चलता है, इसे थोड़ी देर जैसे आप लोग चार्ज करते हो तो उसके बाद ये काफी देर तक वर्क करता है। इट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन अ डेस्कटॉप, अब इसके साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत कुछ लटरम पटरम है लेकिन ये छोटा सा है, हल्का सा है, आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हो इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, ये टैबलेट है और ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है टैबलेट। दीज आर टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन कंप्यूटर्स हैं, सब टच से ही चलते हैं, फिंगर से आप कमांड दे सकते हो। दे वर्क ऑन बैटरी, बैटरी से ही चलते हैं, आपको पता ही है, चार्ज करना पड़ता है इनको। दे आर स्मॉलर एंड लाइटर देन अ लैपटॉप, ये अब इनका कंपेरिजन किया जाए तो ये छोटे हैं, ये बड़ा है। सो यू कैन कैरी देम इन योर पॉकेट और हैंड बैग, इसलिए आप इन्हें अपने हैंड बैग में, अपने पॉकेट में भी लेकर जा सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, इन्हें पीसीज भी कहा जाता है, एज दे आर यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, इन्हें एक टाइम पर एक ही पर्सन यूज कर सकता है। जैसे मोबाइल है तो उसे एक टाइम पे एक ही इंसान, अब कुछ एक बच्चों की परेशानी आती है कि मैम ऑनलाइन क्लासेस भाई की भी होती हैं, साथ में बहन की भी होती हैं, तो रीजन यही है कि इन्हें एक टाइम पर एक ही इंसान यूज कर सकता है। रोल टॉप कंप्यूटर्स हैज अ स्क्रीन विच कैन बी रोल्ड अप, यू कैन यूज इट एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट। ये रोल टॉप कंप्यूटर है बेटा, इन्हें हम रोल कर सकते हैं, और एज अ कंप्यूटर, एज अ लैपटॉप, एज अ टैबलेट आप इनका यूज कर सकते हो। आते हैं एक्सरसाइज पे। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर और थिंक, क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर? कैलकुलेशन नहीं कर सकता, पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता, या सोच नहीं सकता? यस, थिंक, कंप्यूटर कांट थिंक। अ लैपटॉप कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, कैसे चलता है लैपटॉप कंप्यूटर? फ्यूल से, इलेक्ट्रिसिटी से, फ्यूल मीन्स जैसे डीजल पेट्रोल फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से या बैटरी से। इलेक्ट्रिसिटी भी सही है बट बैटरी एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि इसे थोड़ी देर, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो, हमने चार्ज कर रखा हो, तो ये बैटरी पर भी वर्क करेगा। डन बेटा, एक्सरसाइजेस की बेटा आगे की एक्सरसाइज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके okay?